जी मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी बस अभी कल होली ख़त्म हुई है और सारे लोग होली के भी रंगों में रंगे होंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम भी है आपको और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना भी है। तो हम एक छोटे से वीडियो और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके इन दिनों की शुरुआत करेंगे कि आपका ये जो समय है, जो होली है, गुजिया उजिया खा करके अब आप लोग एकदम फ्रेश हो जाइए और अब हम लोग फिर नए सिरे से नए प्लान पे और नए ऊर्जा के साथ में हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और प्रॉपर तरीके से हम लोगों की कैसे तैयारी चलेगी उस पर एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आज मैंने अपने थंबनेल पे ही लगाया हुआ है कि सीक्रेट क्या है कोई नहीं बताता है। अब आप ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन बताते सब हैं लेकिन आप लोग ध्यान से उसको सुनते नहीं हैं और अमल नहीं करते हैं। और मैं आज उन्हीं पॉइंटों को फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एग्जाम में टॉपर्स टॉप करते हैं उसी तरीके से आप भी टॉप कर सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं और वह बहुत कम बातें हैं, मतलब कम से कम 9 बातें हैं, है ना। उनको आप जब भी पढ़ें तब अपने सामने लगा के रख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा एक एक बात आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो 100% गारंटी है आपसे आपका रिजल्ट कोई नहीं छीन सकता है और आप भी टॉपर बन जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग आते हैं, बात करते हैं सफलता का सच। आज हम लोग बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको भी सफलता मिल सकती है, किस तरह से भी आप भी टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले उसके पहले छोटी सी एक सूचना है कि ये आरओ उड़ान 2.0 जो आपके लिए चलाया गया था, अभी ये ऑफर था लेकिन क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोग कूपन कोड जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा था, बहुत से बच्चों के मैसेज आए, फोन आए, तो अभी ये 2 अप्रैल तक और एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आरओ उड़ान 2.0 जो ऑनलाइन चल रहा था, ये ऑनलाइन का प्री का मेंस का प्रॉपर बैच है, ये अभी 2 अप्रैल तक आप इसको ले सकते हैं और बिना किसी जो है एडिशनल उसके, ठीक है। तो जो इसका ऑफर है वो भी ऑफर जारी रहेगा और आप ले सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सफलता के उन 9 नियमों की जिनके बाद आप ये कहेंगे कि सच में यही समस्या होती है, यही प्रॉब्लम्स होती है, इन्हीं की वजह से हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं और यही सारी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें देखिए जिंदगी में आप किसी के साथ भी देखेंगे, सबके साथ जिंदगी में दुख बने हुए हैं, सबके साथ कष्ट बने हुए हैं, सबके साथ समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन इन समस्याओं से हम भी कह रहे हैं हमारे पास भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं से हट करके अगर हम 5 मिनट के लिए आपके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे अपनी लाइफ के लिए निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो एक मूल मंत्र है वो है इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे जितनी बीमारी में हो, खाना खाते हैं ना, चाहे जितनी परेशानी हो, सोने का टाइम मिलता है ना, चाहे जितनी समस्या हो, लैट्रिन बाथरूम जाते हैं ना, तो जब वो समय निकाल पाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे आप पढ़ने का भी निकाल सकते हैं। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति कि मुझे बनना है तो 100% आप बन जाएंगे और उच्च इच्छा शक्ति के कारण ही आप आगे के रास्ते डिसाइड करेंगे और आगे के रास्ते तय करेंगे। इच्छा शक्ति है आप ढूंढेंगे, कोई समझाने वाला मिलेगा, कोई आपको मार्गदर्शन करने वाला मिलेगा, कोई सही चीज़ सही बताने वाला आपको जो है उंगली पकड़ करके बताएगा कि नहीं आप कर सकते। तो सबसे पहली है आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं तो मैं आपको उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, कमर पकड़ के उठा ही नहीं सकता। आपने ढीला कर दिया, मुझे उठना ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है उठने की, तो आप बीमार हैं, आप नहीं उठ सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपके अंदर सबसे पहले अगर आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति है, इसको मजबूत करना है और आप कर सकते हैं, सारे लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद नियमितता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब आपने इच्छा शक्ति को दे दी, अब इच्छा शक्ति से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब इच्छा शक्ति के बाद में अपनी पूरी की पूरी रोड मैप आपका अपना तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए है नियमितता, आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए कि अगर मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ना है, आपको मेरे साथ 2 घंटे जुड़ना है लाइफ तो जुड़ना है, ठीक है ना। तो आप 2 घंटे पढ़ने का आप निकालेंगे या 3 घंटे निकालेंगे तो रेगुलर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात हो गई पक्की। तीसरी बात है व्यवस्थित अध्ययन योजना होनी चाहिए। अब आपने निकाल तो लिया, आपकी इच्छा शक्ति भी है, आपने टाइम भी निकाल लिया, आप कहेंगे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बड़ी समस्या है ना। जीएस पढ़ें तो हिंदी छूट जाता है, हिंदी पढ़ें तो करंट अफेयर छूट जाता है, करंट अफेयर्स पढ़ें तो ज्योग्राफी छूट जाता है, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, साइंस हमको आती नहीं है, ये सारी समस्याओं की जड़ है। तो एक व्यवस्थित प्लान होना चाहिए आपके पास, एक योजना होनी चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने लक्ष्य को पाना है। तो आप जब नियमित पढ़ाई करेंगे तो उसके साथ में आपके पास एक योजना होनी चाहिए और वो योजना, वो प्लान आपके सामने लगा होना चाहिए आपके टेबल के पास में, ठीक है ना। ध्यान रखना हम लोग बहुत समय हो गया था, 10 साल 15 साल के बाद भी हमारे बैग में किताबें नहीं हटी और जबकि हम लेके जाते थे जहां भी काम करते थे किताबें निकल नहीं पाती थी, लेकिन क्या दिमाग में रहता था कि यार लेते चलो शायद टाइम मिल गया तो पढ़ लेंगे, शायद टाइम मिल गया तो पढ़ लेंगे। तो मतलब एक नहीं गधा के ऊपर एक लदा रहता था बैग, तो वो बैग हरदम हमारे साथ में लदा रहा, तो आदत बन गई वो हमारी और यही आदत आपको भी बनानी है।
तो आपको योजना मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से करना है, और समय प्रबंधन, आपके पास समय कम है, सारे लोग कहते हैं सर समय कम है, घर की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं, सारी समस्याओं के साथ में भी आपको एक समय प्रबंधन, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने इतने दिन इतने इतने घंटे इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ये भी आपके पास में एक ठोस प्लान होना चाहिए, समय प्रबंधन, साथ में क्या होता है आप मूल्यांकन और प्रैक्टिस। अब आपने नियमित आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास योजना भी है, समय प्रबंधन भी हो गया है, और आपके पास बुक्स भी हैं, अब आप करेंगे आत्म मूल्यांकन और प्रैक्टिस। आपने जो पढ़ा है क्या वो हकीकत में वही एग्जाम में पूछा जाएगा? एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है। देखिए, अगर सफलता लेनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड करना है। अगर आपको ज्ञान लेना है तो ज्ञान ओरिएंटेड करना है, और ज्ञान अथाह है, कितना भी लेते रहिए। तो यहाँ पर आत्म मूल्यांकन करेंगे, किससे? प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट से, और या किसी भी साथी को आप साथ में लगाएंगे कि भाई आप लो मैंने पढ़ा है, आप पूछो जहां से पूछना है, तो वहां से आप इसका आत्म मूल्यांकन आपका अपना हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपको समस्या आएंगी कि जब ये सब चीजें हैं हमारे पास अच्छी बुक भी होनी चाहिए। अच्छी बुक के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, और अच्छी बुक आपको वहां से मिल जाएंगी। सातवां पॉइंट है सोशल मीडिया का प्रयोग। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आज की डेट में सोशल मीडिया है। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम मोबाइल उठाते हैं और रील में एक बार घुस जाते हैं तो एक घंटे के पहले निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसा दलदल है, ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को समा देते हैं, और अपना एक घंटे दो घंटे का कीमती समय जहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते थे, वहां आप जैसे ही सोशल मीडिया में जाते हैं वैसे रील, अच्छे अच्छे कारनामे वो चले जाते हैं। अपना कारनामा हम लोग भूल जाते हैं, हम दूसरे के कारनामे देखने, अरे भाई हम लोगों को मेहनत करनी है, और उस सोशल मीडिया में हमारी भी रील कोई बना करके डालने वाला मिल जाए, और हम इतना अच्छा काम करें, हमारी भी रील सोशल मीडिया में वायरल होने लगे, हमको वो काम करना है। तो हमें सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग करना है, जितनी जरूरत हो उतना यूज करना है, और रील की तरफ से जाना ही नहीं है, बहुत रंगीन दुनिया, तो इस रंगीन दुनिया से बचना है। क्योंकि अगर रंगीन दुनिया में जाएंगे तो अभी रंगीन हो जाएंगे तो फिर अपनी जिंदगी को रंगीन नहीं कर पाएंगे। अपनी जिंदगी को रंगीन करना है तो आपको मेहनत करनी है, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद आठवां पॉइंट क्या है? तनाव प्रबंधन। बहुत तनाव होते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, बीबी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, है ना, और भाई की टेंशन, कभी कभी तो गर्लफ्रेंड की टेंशन, तो ये सारी टेंशनें कैसे, पैसा की टेंशन, है ना, ये सारी टेंशनों के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो क्या सफल हो पाएंगे? उसमें भी एक समस्या। अब उसको आप कैसे, उस तनाव को, उस टेंशन को कैसे दूर करेंगे? तो एक तनाव के लिए आप सुबह जितना टाइम आप रील में लगाते हैं, आधा घंटे 15 मिनट आप जो है योगा कर लीजिए, है ना, सुबह सुबह उठ करके बैठ करके एक आप मंथन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, इससे आपको जो है तनाव में थोड़ी सी उलेगी। और सोचिए कि यार दुनिया तो परेशान है, मेरे पास भी समस्या, उसके पास भी, कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं जिसके पास समस्या ना हो। जब समस्या सबके पास में है, समस्या में ही जीना है, और तो समस्या में ही तरक्की कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी हटा करके ध्यान में आप लगाइए तो तनाव प्रबंधन हो जाएगा, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एकदम आसान हो जाएगा। अब नवा पॉइंट आता है अच्छी नींद। अब अच्छी नींद कैसे आएगी? आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी नींद आ जाएगी, है ना। जितनी मेहनत करेंगे आप, अपने आप को इतना थका डालिए कि नींद के लिए इंतजार ना करना पड़े, जो टाइम हो गया आप सोते हैं, नींद आप अपने आप पढ़ते पढ़ते आ जाए, सो जाइए, ठीक है। अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप संघर्षशील हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, सोने के लिए टाइम नहीं निकालना है, सोनी अच्छी नींद जरूरी है, लेकिन बता दीजिए घर वालों को, देखो पढ़ते पढ़ते भी सो जाए तो हमें जगाइएगा नहीं, और सो गए तो सो गए। इस तरह से आप ये 9 नियम अगर आप पालन करते हैं तो मुझे लगता है इसी बार आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। प्रैक्टिस रेगुलर आपको करनी है, आत्ममूल्यांकन करना है, और अगर किसी और प्रकार की कोई समस्या है तो हम खड़े हैं, हमसे आप कॉल के बात कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो मुझे लगता है बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप इन बातों को पालन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।